कि जो तुम्हारी आंखों में नजर आता है सितारा, ये नेत्रा की आंखों में नजर क्यों नहीं आता? क्यों हो रहा है ऐसा? कुंवर सा, रानी सा सितारा जी को बुला रही हैं। सितारा के साथ इतना कंफर्टेबल होता हूं मैं, फिर नेत्रा के साथ ये फीलिंग क्यों नहीं आती? ये नेत्रा को क्या हो गया? बहुत सुंदर लग रहे हैं आप राजकुमारी। राजकुमारी नेत्रा इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है अचानक? कितने समय बाद देख रही हूँ तुम्हें। कल रात से पहले तक इन्होंने कभी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की, फिर कल रात अचानक क्यों? इन्हें तुम्हें पसंद भी नहीं हो। चार विषकन्याओं में से एक की आत्मा राजमहल की किसी स्त्री के अंदर है। कहीं इस विषकन्या की आत्मा राजकुमारी नेत्रा में तो नहीं है? रानी सा, राजकुमारी की हल्दी पूरी हो गई है, इन्हें किसी के साथ स्नान के लिए भेज दीजिए। मैं स्नान करा देती हूँ। मेरा मतलब है कि मैं हल्दी निकालने में इनकी मदद कर देती हूँ। हाँ सितारा, ले जाइए इन्हें। अगर उस विषकन्या की आत्मा राजकुमारी नेत्रा के शरीर में है तो कहीं ना कहीं इनके शरीर में कोई निशान जरूर होगा। छबीली इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? इसकी अक्ल पे क्या पत्थर पड़ गए हैं? सितारा इस वक्त राजगुरु के राह पे चल रही है, जाने अनजाने में वो हमारी दुश्मन बन रही है। अगर उसने नेत्रा के शरीर पर छबीली के तत्व का निशान देख लिया तो ये क्या है? दीदी, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, छबीली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है।
निशान के ऊपर से हल्दी का दाग भी मिट रहा है। दीदी हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये निशान मिट क्यों नहीं रहा है? अब हम करें तो करें क्या? अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभम चकंबलम अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभम चकंबलम अनंतम वासुकिं शेषम। यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा? हमें बहुत ध्यान रखना होगा छबीली। हमारी एक चूक हमारे सारे इरादों पर पानी फेर सकती है। राज परिवार के साथ साथ सितारा को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा नेत्रा के शरीर में है। हल्दी में भी कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। चलिए विराज, अब आप भी चाहिए उन्हा लीजिए। जी डैड। अरे भैया, अकेले अकेले कहाँ चल दिए? हम आपको अच्छे से नहला देते, आपकी हल्दी भी निकाल देंगे। What? जो कहिए। हाँ, मैनेज कर लूंगा मैं। अरे जीजू, इतनी शर्माने की क्या जरूरत है? After all, हम आपके अपने ही तो हैं। आर्यन, सम्राट आपसे बड़े हैं, इतनी भी लेग पुलिंग करने की जरूरत नहीं। बेकार में डांट खाओगे दोनों। एग्जैक्टली, डांट इतनी मार भी पड़ सकती है। अरे हाउ बोरिंग जीजू। अरे चलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको परेशान करने के लिए। क्यों सम्राट? ओए साला है, सालियों जैसी हरकतें और बातें मत कर। चल, बहुत लड़कियां हमारा वेट कर रही है। चल चल जा।
दीदी, छबिली ने दरवाजा खोलने की कई सामान इकट्ठे कर लिए। छबिली, तुम अपना काम बहुत कुशलता से कर रही हो। अब अगली चीज जो तुम्हें लानी है वो है रतन प्रताप के कमरे में रखा उसका सीप। जाओ, जाकर वो सीप लेकर आओ। अब तुम्हें महारानी लक्ष्मी की अलमारी से उनकी मोती की माला का मोती और हीरों की अंगूठी का हीरा लेकर आना है। हेलो, थैंक यू सो मच। लेकिन सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली। एक बार छबीली ये सारी सामग्री लेकर यहाँ आ गई, उसके बाद हमें यहाँ से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो आखिरी चीज बची है वो है ज्ञानेंद्र का खून। हाँ,
हमारी आजादी के लिए जरूरी उन 7 चीजों में से 6 चीजें मिल चुकी हैं। अब आजादी से बस एक कदम दूर हैं हम। राजगुरु का खून मिलते ही दुनिया की कोई ताकत हमें उस कैद में नहीं रख पाएगी। ये कहां से आ रही हो तुम नेत्रा? सच सच बताओ, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? वरना मैं पूरे महल में बता दूंगी कि तुम चोरी कर रही थी। वैसे एक बात तो तुमने प्रूव कर ही दी कि छोटे लोगों की सोच ना हमेशा छोटी ही रहती है। भले ही उन्हें कितने बड़े महल में क्यों ना बैठा दो, लेकिन तुम जैसे चीप लोग अपनी चीपनेस कभी नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें यहाँ इतने बड़े महल की महारानी बनाने के प्लान्स बना रही हूँ और तुम हो कि तुम्हें इन छोटी छोटी चोरियों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। जी, कौन सी नई ट्रिक्स सीख ली हाँ तुमने? इतने दिनों से देख रही हूं मैं तुम्हारी आंखों का रंग बदल रहा है, ये क्या है? तुम ना बियर्ड पे बियर्ड होती जा रही हो। देखो मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, मुझे जवाब दो, क्या है तुम्हारा ये नाटक? रास्ते में आने की कोशिश मत करना मेरे, भुग तो सजा। यामिनी उठो, यामिनी, भाभी साहब, पद्मिनी, सम्राट, क्या हो गया सब लोग? भाई साहब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि यामिनी को कैसे ये चोट लगी। आखिर वो कैसे गिरी सीढ़ियों पर से? भाभी साहब जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। I swear that अगर एक बार मुझे पता चल गया कि ये किसने किया है तो मैं उसे जान से मार दूंगा। रिलैक्स सम्राट, चाची साहब को होश आ जाए, सब पता चल जाएगा। ओके कहीं ये उस औरत ने तो नहीं किया जिसके अंदर छबीली की आत्मा है? बड़ी गहरी सोच में डूबा है ये राजगुरु, पर लाख कोशिश कर ले तुझे खबर भी नहीं होगी और हम अपनी आजादी का रास्ता बना लेंगे।